friends, hope you are doing well. In this video, we will discuss about question number 11 from NCERT book, page number 186, back exercise. This question is very important. Now, question is, a concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है जो 10 सेंटीमीटर पर इमेज बना रहा है, तो इस लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखी हुई है और साथ में रे डायग्राम भी ड्रॉ कीजिए। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। फर्स्ट गिवन इज फोकल लेंथ एफ इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, हम लोग लिख रहे हैं -15 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉनकेव लेंस के लेफ्ट साइड में फोकस होता है और यदि लेफ्ट साइड में फोकस होगा तो फोकल लेंथ के वैल्यू के आगे में माइनस साइन लग जाएगा। नेक्स्ट गिवन है इमेज डिस्टेंस भी इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हम लोग -10 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉनकेव लेंस के लेफ्ट साइड में इमेज बनता है और यदि लेफ्ट साइड में इमेज बनेगा तो इमेज डिस्टेंस के वैल्यू के आगे माइनस साइन लग जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, साथ में रे डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो हम लोग लेंस फार्मूला लेते हैं 1/v - 1/u = 1/f। क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है इसलिए हम लोग 1/v को इक्वल्स टू के राइट साइड में लेकर के आ जाते हैं और हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1/u = 1/f - 1/u। इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला कैसे बना इसे मैं अच्छे से समझाई हूँ एग्जाम्पल 10.3 में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप समझना चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब हम लोग इस फॉर्मूला में f और v का वैल्यू पुट कर देंगे, जो f का वैल्यू है -15 और v का वैल्यू है -10। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1/u = 1/-15 + 1/-10। ओके, अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्लस और माइनस दो साइन है, तो ये दोनों साइन मर्ज होकर के माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाता है और ये साइन कैरी ऑन हो जाएगा। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 1/u = 1/-15 - 1/10। अब हम लोग -15 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे जो आ जाता है -30 और इसे सॉल्व कर देते हैं। तो अगला स्टेप हो जाता है हमारा 1/u = -2 + 3 / -30 और जब इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 1/-30। ये 1/-30 1/u का वैल्यू है तो u का वैल्यू हो जाएगा -30। अब इसमें यूनिट लगा देते हैं सेंटीमीटर, तो हो जाता है वैल्यू -30 सेंटीमीटर। ओके, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के वैल्यू के सामने जो माइनस साइन आया है वो ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग को रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग इमेज डिस्टेंस के वैल्यू को भी कंपेयर करेंगे। तो इमेज डिस्टेंस का वैल्यू है -10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू है -30 सेंटीमीटर, जो हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट लेंस से इमेज के 3 times दूरी पर रखा हुआ है और हमारा रे डायग्राम इस तरह का बनेगा। ओके, और हम लोग इस वैल्यू को सेंटेंस में इस तरह से लिखेंगे, हेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।